स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों आज हम निप्पॉन इंडिया का एक शानदार म्यूचुअल फंड रिव्यू करेंगे जिसने दोस्तों ओवरऑल 25% से ज़्यादा के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 17.01% के हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न्स दोस्तों गजब के इसने प्रोवाइड कराए हैं जो कि 37.19% के हैं। पिछले 1 साल के इसके रिटर्न 12.12% के हैं। पिछले 6 महीने में 25.75% के रिटर्न्स दिए हैं और पिछले 1 महीने में भी इसने लगभग 2.5% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। निप्पॉन इंडिया के अंदर वैसे तो बहुत सारी स्कीम हैं लेकिन आज निप्पॉन इंडिया की सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाली स्कीम के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये एक डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। इसका मतलब ये है कि अगर आप खुद से अपना निवेश करेंगे यानी कि अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो भी आपके फंड की ग्रोथ होगी उसका पूरे का पूरा प्रॉफिट आप ही को मिलने वाला है। किसी भी तरह का कोई एजेंट कमीशन नहीं कटेगा, कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं दोस्तों, किसी एजेंट के थ्रू या बैंक के थ्रू हम इन्वेस्ट कर देते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर जिससे हमारे फंड की ग्रोथ का 1.5 से 2% हिस्सा उनको कमीशन के रूप में चला जाता है। अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास में एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। उस डीमैट अकाउंट के थ्रू आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं है आपके पास में डीमैट अकाउंट तो आप अपने मोबाइल के थ्रू घर बैठे ओपन कर सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है जीरोधा और एंजल ब्रोकिंग का। एंजल ब्रोकिंग के अंदर आप अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं और जीरोधा के अंदर 200 रुपीज़ प्लस GST चार्ज लगता है। अब चलते हैं दोस्तों इसके फंड की थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं। इस फंड की जो रेटिंग है वो 4 out of 5 है। इसका फंड साइज 23,765 करोड़ रुपये के आसपास है और ये फंड दोस्तों आपको 103.96 रुपये की जो NAV है उस पर ट्रेड करता हुआ मिल जाएगा। यानी जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, चाहे आप मंथली बेसिस पर करें या लमसम इन्वेस्टमेंट करें, 103.96 रुपये से उसे डिवाइड कर दिया जाएगा और जो भी यूनिट्स होंगी वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी। इस फंड के अंदर दोस्तों अगर हम बात करें कि ये फंड आपके पैसे को किस तरह से डाइवर्सिफाई करता है, जो इस फंड के मैनेजर हैं दोस्तों ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कंपनी है इसके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। HDFC बैंक के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, KPIT टेक्नोलॉजीज, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड, तेजस नेटवर्क लिमिटेड, पूनावाला फिनकॉप लिमिटेड, बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड, टिमकन इंडिया लिमिटेड, नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड जैसी दिग्गज कंपनीज के अंदर जो स्मॉल कैप कंपनी है उनके अंदर दोस्तों इन्वेस्टमेंट इसका ज़्यादातर किया जाता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस फंड के बारे में, यानी कि मान लीजिए आप इसके अंदर 3,000 रुपये प्रति मंथ SIP करते हैं, आप अगर चाहें तो 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं या आप 5,000 रुपये भी कर सकते हैं। मैं 3,000 रुपये का दोस्तों अमाउंट लेकर बताऊंगा जिससे आपको आसानी हो जाएगी एक रेफरेंस के थ्रू। मान लीजिए 3,000 रुपये इस फंड के अंदर हर महीने इन्वेस्टमेंट होता है और जैसे हमने देखा है इस फंड के जो ओवरऑल रिटर्न्स हैं वो 25% के हैं, तो जो इसके ओवरऑल रिटर्न्स हैं उससे अगर हम 5% रिटर्न कम भी मानकर चलें तो आगे आने वाले 1 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपका होगा 3,000 रुपये प्रति मंथ से वो 36,000 रुपये का होगा और 1 साल में जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे वो 4,149 रुपये के मिलेंगे। फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, जो 36,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किया और जो 4,149 रुपये का हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिला, यानी कि 40,149 रुपये फाइनल हमारे फंड की वैल्यू हो जाएगी। अब इस फंड में से दोस्तों कैपिटल गेन टैक्स का डिडक्शन होगा और फाइनल अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 5 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो 5 साल में 3,000 रुपये प्रति मंथ से जो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो 1,80,000 रुपये का होगा, जबकि आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो मिलेंगे वो 1,30,000 रुपये के आसपास मिलेंगे और फाइनल वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 3,10,000 रुपये के आसपास। अब दोस्तों अगर आप इस फंड के अंदर कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं और ये 20% के हमें रिटर्न प्रोवाइड कराकर देता रहता है तो आगे आने वाले 10 सालों में जो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो 3,60,000 रुपये का होगा, जबकि आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे 20% के हिसाब से वो होंगे दोस्तों 7,87,000 रुपये के आसपास और फाइनल हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11,47,000 रुपये के आसपास। अब इसी तरह से मान लीजिए आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों अगले 20 सालों तक, तो 20 साल में लगभग 1 करोड़ रुपए की धनराशि दोस्तों आपका फंड इकट्ठा कर आपको दे सकता है 20% रिटर्न के हिसाब से।
टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो 7,20,000 रुपये का होगा, और इस्टिमेटेड रिटर्न जो आपको मिलेंगे वो 87,64,000 रुपये के आसपास होंगे, और फाइनल वैल्यू जो हमारे फंड की इन्वेस्टमेंट है वो प्लस जो हमें इस्टिमेटेड रिटर्न मिले उन दोनों को मिलाकर फाइनली 94,84,000 रुपये की हमारी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। अब आप अगर चाहें तो और भी ज़्यादा लंबे समय तक इस फंड के अंदर इन्वेस्टेड रह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, जहां आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा वो मैंने स्कीम आपको बताई है, और कैसे आप बिना एजेंट कमीशन के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। इससे संबंधित फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और लोग भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट से जागरूक हो सकें। धन्यवाद।